आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं शुक्रवार सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मिजोरम में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है और यहां पर कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली को बेहद खास माना जा रहा है। मिजोरम के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मंदसौर में एक रैली करेंगे। इस रैली को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि मंदसौर से ही किसानों का आंदोलन उठा था, जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार शिवराज सरकार के खिलाफ सुर्खियां बना था। प्रदेश में 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर चुनावी प्रचार के तहत जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बुधनी में हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छिंदवाड़ा में होंगे। राहुल गांधी सीएम शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार अरुण यादव के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज तेलंगाना में एक पहली चुनावी रैली करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान वो तेलंगाना के गठन में कांग्रेस के योगदान का जिक्र करेंगी। सोनिया गांधी की इस रैली को कांग्रेस के मद्देनजर गेम चेंजर माना जा सकता है। दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि ये आतंकी खाली हाथ दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन इन्हें नेपाल में रहने वाले टेरर ऑपरेटर जफर रिजवान ने हथियार मुहैया करा दिए हैं। इन 5 आतंकियों के साथ एक लड़का और एक लड़की भी मौजूद हैं। खुफिया जानकारियों के मुताबिक अनंतनाग का एक लड़का इन आतंकवादियों के साथ में मौजूद है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सघन तलाशी अभियान चलाया हुआ है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। दरअसल ये दोनों ही लड़के बाइक पर सवार थे और उसी दरमियान एक हादसे की वजह से ये बाइक समेत पुल से नीचे जा गिरे। पुलिस का आरोप है कि ये दोनों लड़के बाइक पर स्टंट दिखा रहे थे। हालांकि अभी तक इन लड़कों के नाम और पता नहीं चल सका है। गाड़ी के नंबर के बिहाफ पर पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सुबह 11 बजे तक की न्यूज़ हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए hindi.firstpost.com।